माँ बनने के बाद हर महिला की जिंदगी बदलती है, फिर चाहे ये कोई आम महिला हो या बॉलीवुड की जानी पहचानी एक्ट्रेस। फिलहाल ऐसा ही कुछ हुआ है बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईशा देओल जो हैं, दो प्यारी प्यारी बेटियों की मम्मी हैं। ईशा देओल बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, हेमा मालिनी की बेटी हैं, और इन सबके बीच फिलहाल सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। दरअसल लैक्मे फैशन वीक के फिफ्थ डे हेमा मालिनी की बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपनी बेटी राध्या के साथ रैंप पर वॉक किया। हेमलीज कैंप के लिए शो टॉपर ईशा देओल बनी। कुछ फोटोज को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। गौरव के बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े बनाने वाली इस कंपनी के लिए ईशा ने अपनी बेटी राध्या के साथ रैंप पर वॉक किया। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही जमकर ईशा को ट्रॉल किया जा रहा है। एक यूजर लिखते हैं, लाइमलाइट में आने के लिए ये अपने बच्चों को क्यों टॉर्चर करते हैं, देखो बच्ची बेचारी कैसे डरी हुई लग रही है। एक और यूजर लिखते हैं, खुद इतने छोटे कपड़े पहने हैं, बच्ची को फ्रॉक पहना के लाई है। तीसरे यूजर लिखते हैं, बच्चों पर कितना प्रेशर है। वैसे माँ बेटी की जोड़ी की लुक की बात करें तो ईशा देओल शॉर्ट पैंट में नजर आई। फोटोज को आप देख रहे होंगे, रेड टॉप के साथ ब्लैक लेदर जैकेट उन्होंने कैरी की। अपनी बेटी को पिंक कलर की फ्रॉक और व्हाइट शूज उन्होंने पहनाए हैं। अब ईशा देओल का बेटी के साथ रैंप पर वॉक करना और शॉर्ट्स पहनकर वॉक करना फैंस को जरा भी पसंद नहीं आया, और इसी को लेकर ईशा देओल जो दो बार मम्मी बन चुकी हैं, उनके हाल को, पोस्ट प्रेगनेंसी लुक को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। खैर, आपको ईशा का लुक कैसा लगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।